हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट देना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि आज से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आज से टीआरई 2 का स्टार्ट हुआ है, कल तो 25 से आपको पता है ये टीआरई 1 का स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करने वाले हैं, एंड जिसका भी सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका नहीं भी हुआ है तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आप सीटेट के एग्जाम के प्रिपरेशन कर ही रहे हो, साथ में आपका डीएड हो, बीएड हो, उसकी जो है आपकी ट्रेनिंग चली रही है। तो इसी बीच में आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी, चाहे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो। देखो, इस बार क्या हुआ है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारा कट ऑफ, मतलब जो क्वालिफाइंग नंबर था उससे ज़्यादा नंबर है, फिर भी हमारा नहीं हुआ है। तो आप भी जानते हो कि वरीयता के हिसाब से जो है मेधा सूची तैयार की जाती है। अब जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उस सब में से उसी का सिलेक्शन होगा। तो इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, एंड आपको पता है कि आज कुछ स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं, मैं आपको भी बताने वाली हूँ। साथ में बीपीएससी ने कुछ लोगों को 1 साल और 3 साल के लिए उनका रोक ही दिया है कि अब वो बीपीएससी का पेपर दे ही नहीं सकते हैं 3 साल तक। काउंसलिंग हो गया, चाहे बाकी के रिजल्ट हो गए, सब पे हम बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि टेस्ट बुक पे अभी बहुत बड़ी सेल आई हुई है, क्रिसमस सेल 25 से 28 दिसंबर तक चलेगा। इस बीच में अगर आप लेंगे तो आपको बहुत ही सस्ते दाम पे जो है टेस्ट बुक पास हो गया या फिर पास प्रो 1 ईयर के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो GKC कोड, ये GKC कोड आपको यूज करना है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हो। देखो, अगर आपको केवल मॉक टेस्ट लगाना है तो आप पास ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। बट अब मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चंस चाहिए, वो भी अनलिमिटेड टाइम ऑफलाइन तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पास प्रो लेना होगा। और ये देखिए, इतना सस्ता ये आपको केवल क्रिसमस सेल में मिलेगा, क्योंकि अभी तक इसकी प्राइस काफ़ी हाई थी, 314, वो भी GKC करके आपको डिस्काउंट पड़ेगा, वो भी 1 साल के लिए। आप सोचिए, 1 साल के लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का करना है प्रीवियस और क्वेश्चंस मॉक टेस्ट, तो सारी फैसिलिटी आपको पास प्रो में मिल जाएगी। और अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो पास ले लेना। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सीटेट का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, तो प्लीज़ चेकआउट जरूर करें। देखिए, सबसे पहले तो रिजल्ट से रिलेटेड आज आपका जो भी है सब शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स के बाकी हैं, 1 to 5 हो गया, और 9 से 10 का जो मैथ का रिजल्ट है, बाकी तो आपने देखा होगा कि कल 6 to 8 का जो सोशल साइंस का रिजल्ट रहा है, और अच्छा खासा कट ऑफ गया है। बट 1 to 5 हो या आपका 6 to 8 हो, 9 से 10 हो, 11 से 12 हो, इससे रिलेटेड मुझे आपको कुछ बताना है। देखो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आएगी, बट अभी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि आज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो जो भी कैंडिडेट्स गए वहाँ पे सेंटर पे, तो उनसे एक चीज़ कही गई है कि मान लो आपका सिलेक्शन अगर 6 to 8 में भी हुआ है, कुछ लोगों का तो ऑब्वियस ही बात है हो चुका है, और आप वेट कर रहे हो 9 से 10 का या फिर 11 से 12 का, एंड इन तीनों में से आपका 2 जगह हो चुका है सिलेक्शन, ये आप सभी के लिए है। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी आए, और वैसे भी अतुल प्रसाद सर ने बोला भी है कि शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार काम करेंगे। तो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने काउंसलिंग कराने गए तो उनसे एक ही चीज़ बोली गई है कि आपका क्या बस 1 में सिलेक्शन हुआ है या फिर 2 से 3 में जगह भी हुआ है। तो उन कैंडिडेट्स के द्वारा बताया गया है कि उनका 6 to 8 में सिलेक्शन हो चुका है, और वो 9 से 10 में अभी उनका रिजल्ट आना बाकी है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर किसी का दोनों में हो जाएगा तो वो तो 9 से 10 में जाएंगे। तो उन्होंने सिंपल सी एक चीज़ बोली है कि अगर जो है आपका 6 to 8 के साथ साथ 9 से 10 में भी हो जाता है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल 1 जगह करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 6 to 8 में हो चुका है, 9 से 10 में भी हो चुका है, पिछली बार की तरह 11 से 12 में हो चुका है, 1 to 5 में, तो आप सभी जगह जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ अभ्यर्थी आज लौट गए सेंटर से, तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको एक वैसे भी रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे, इसमें तो हो ही नहीं सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि जैसे कि बोला जाता है ना कि अगर आपका इसमें हो गया, इस केंद्रीय विद्यालय में हो चुका है, तो आप बीपीएससी में ना जाएं, क्यों किसी और की सीट खराब करना। तो सेम डिट्टो वही चीज़ें चल रही हैं कि आप DV केवल 1 जगह करा सकते हो। अगर आपको 9 से 10 में जाना है तो 6 to 8 में भले से आपका सिलेक्शन हो चुका है, अच्छा खासा नंबर आ गया है, ये नहीं होगा कि आप DV जाके इसमें भी करा लें, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं 2-2 सीट बर्बाद हो जाती हैं, आप भी जानते हो। तो अब ये चीज़ नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे जो है काउंसलिंग वहीं से बताई गई है जो चीज़ें, कि ऐसा नहीं है कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो पाएंगी या फिर डेट एक्सटेंड नहीं होगा, सब कुछ होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप 9 से 10 में जाना चाहते हैं तो आप 6 to 8 की DV मत कराइए, क्योंकि आज आपको पता है कि 6 to 8 का जो है काउंसलिंग शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी जरूर आए। और जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि कितने संख्या पे आ सकता है, तो देखो 6 to 8 का जो कट ऑफ है वो कम होने के चांसेस ये इसलिए भी हैं
क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ऑलरेडी 9 से 10 में, कल कुछ सब्जेक्ट्स के जो रिजल्ट आए हैं उनका ऑलरेडी इसमें 11 से 12 में हो चुका है, तो वो क्यों जाएंगे 6 to 8 में, क्यों जाएंगे वो 9 से 10 में। तो इस तरीके से आपको 6 to 8 में सबसे ज्यादा जो है रिक्तियां देखने को मिलेगी इस बार, क्योंकि यहाँ पे बीएड और डीएड दोनों हैं और बीएड के मोस्टली कैंडिडेट्स 9 से 10 में आ जाएंगे, तो 6 to 8 का ऑब्वियस ही बात है कट ऑफ भी कम होगा, और अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो जो भी आएगा बीएड डीएड सभी को मौका मिल सकता है। अभी कितने पे आएगा ये तो भाई अभी बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप पिछली बार का देख ही रहे हो कि कहां पहले 10 से 15 हज़ार लग रहा था, सीधे 2,700 के आसपास सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन्होंने दे दिया है, और अभी भी जो है कैंडिडेट्स उनकी डिमांड है कि वो TRE1 का एक और निकालें सप्लीमेंट्री रिजल्ट, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग में ही बीपीएससी के चेयरमैन सर ने बोला था कि हम 1 या 2 या 3 मल्टीपल रिजल्ट निकालकर सीटों को भरेंगे, जैसा कि उन्होंने नहीं किया है। तो इस बार जो है आपको 6 to 8 में बहुत सारी वैकेंट सीट देखने को मिलेंगी, एंड मान लो यहाँ पे जो लोग भी हैं अगर उनका अपने स्टेट में हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें सिलेक्शन UR में सबसे ज्यादा UP के कैंडिडेट्स और बाकी जो है उनका हुआ है, तो अगर वो अपने स्टेट में जाते हैं कोई वैकेंसीज आ जाती है तो यहाँ की सीट तो वैसे ही खाली हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है 100% तो कोई नहीं बोल रहा है, बट यस ये सीटों की संख्या अगर ज्यादा बच जाती है तो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। और रिजल्ट आपको पता ही है कुछ लोगों के पास तो मल्टीपल ही जो है हैप्पीनेस है, किसी का 3-3 जगह सिलेक्शन हो चुका है, एंड किसी का अगर नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। आप अपना 21 जनवरी को जो सीटेट का पेपर है अगर क्लियर हो चुका है तो आप आगे की तैयारी कर सकते हो, नहीं हुआ है तो पहले आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर करो, क्योंकि अगर बीपीएससी TRE में 1 to 5, 6 to 8 दोनों की वैकेंसीज आती है तो आपके पास भी 2 मौका होगा। ठीक है, तो जिसके भी नंबर नहीं आए हैं आपको बीपीएससी TRE पे फोकस करना चाहिए, ताकि जो भी 50,000-1,00,000 के आसपास भर्ती आएगी बट अगस्त में आएगा तो आपके पास मौका रहेगा, ये नहीं रहेगा कि आपको दोबारा से सीटेट का प्रिपरेशन करनी है। तो जिनका हो चुका है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ उनका भी हो जाएगा, वैसे भी KK पाठक सर ने तो बोला ही है कि अब हर साल बीपीएससी की परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये कोई चुनाव से रिलेटेड नहीं है, मे भी चुनाव के बाद भी ये लोग लें, बट आप देख लीजिए 24 में तो होगा ही, 25 में भी होगा, ऐसा नहीं है कि बस 24 के बाद होगा ही नहीं। दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली 1 सेक्शन का ही आप करा सकते हो, आपका 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में तीनों जगह सिलेक्शन हुआ है, आप केवल 1 ही DV करा सकते हो, और ऐसा आज जो है जो स्टूडेंट्स गए थे काउंसलिंग पे उनके द्वारा बताया गया है, वापस लौट आए हैं क्योंकि वो वेट कर रहे हैं 9 से 10 का रिजल्ट का, और अगर यहाँ पे हो जाता है तो वो नहीं कराएंगे। ये मत बिल्कुल सोचना कि आज ही करा लेते हैं बाद में मौका नहीं मिलेगा, इसका वरीयता से कोई लेना देना नहीं है, अगर आपका है तो आप करा लीजिए, नहीं तो आप वेट कर लीजिए, आगे भी हो जाएगा। एक चीज़ और बोलना चाहूंगी, अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे पिछली बार भी जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए सीटेट का डिग्री का, उनको सीधे बाहर कर दिया गया, साथ में प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब आप जो है आगे इस बीपीएससी में शामिल नहीं हो सकते हो 1 या 3 ईयर के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने झूठा दावा किया था कि हमारे नंबर ज़्यादा थे फिर भी हम बाहर हो गए, और शपथ प्रमाण पत्र जो भी बीपीएससी ने बोला था वो फॉलो भी नहीं किए, ऐसे कैंडिडेट्स को आज ही नोटिस आई है 1 या 3 साल के लिए बीपीएससी से उनको प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जो लोग भी DV कराने जाएं याद रखिएगा डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, अगर आप अभी भी फेक तरीके से एंटर लोगे बाद में पकड़े जाओगे और सीधे 1 या 3 साल के लिए प्रतिबंध लग जाएगा। एक नोटिस जारी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका आधार कार्ड फोन नंबर से लिंक नहीं है और आप वो फोन नंबर लेकर नहीं आते हो, OTP नहीं आएगी, तो आपका वैसे भी काउंसलिंग नहीं होगा, ये मैंडेटरी है। तो ये याद रखना, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो, मोबाइल नंबर वही वाला लेकर जाना जो कि लिंक है, अगर आप ये नहीं करते हो तो आपकी काउंसलिंग होगी ही नहीं, ये एकदम क्लियर इन्होंने मेंशन किया है। काउंसलिंग वैसे ही पता है आपको आज से स्टार्ट है, और बाकी के जो कुछ रिजल्ट्स बाकी हैं वो भी आज आपको देर शाम तक याद आ ही जाएगा, वैसे भी ये लोग रात में ही रिजल्ट जारी करते हैं। तो देखिए ये एक्चुअली इसलिए भी बताना है ताकि आपको याद रहे कि किसी का भी सिलेक्शन हो रहा है 2 से 3 जगह, बाकी की जो सीट्स बचेंगी आपको उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और ये आप ट्वीट के जरिए भी बीपीएससी चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आना भी चाहिए, ताकि 1-2 नंबर वाले भी इसमें एंटर हो जाएं, क्योंकि आप भी जानते हो कि कुछ लोग नौकरी छोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग जो है फेक तरीके से पकड़े जा रहे हैं और सीटों की संख्या बढ़ जा रही है और एक योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जा रहा है। तो इस तरीके से 1 candidate 1 result आएगा एंड बाकी की सीट्स आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, फिर भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।